महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कुछ महीनों पहले मस्जिदों पर लगे भोंगे का मुद्दा उठाया था। उसके बाद महाराष्ट्र में काफी हलचल भी हुई थी, मगर अब फिर एक बार ये मुद्दा नागपुर शहर में उपस्थित किया जा रहा है। नागपुर शहर के लालगंज बीड़ी कारखाना के परिसर में रहने वाले नागरिकों ने पत्र परिषद द्वारा ये मुद्दा उजागर किया है। उनका कहना है कि मस्जिद पर लगे भोंगे के कारण उनको काफी समस्या होती है। आगे उन्होंने कहा कि हमने मस्जिद व्यवस्थापकों से इस समस्या का निवेदन कर कहा कि मस्जिद पर लगे भोंगे का आवाज कम करे या भोंगे को निकाल दे, मगर व्यवस्थापकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मेरा नाम विद्यासागर प्यारेलाल शाहू है, मैं लालगंज क्षेत्र में रहता हूँ, 5 नंबर बीड़ी कारखाने के पास। मेरे यहाँ निःशुल्क ट्यूशन चलती है 1 से 10वीं तक के। मेरा मानना ये है कि जो सुबह वो मस्जिद में नमाज होती है 4:30 बजे के बाद, जब हम लोग टेरिस के ऊपर जाते हैं तो अलग अलग टाइम पे वहाँ पर बहुत जम के आवाज़ आती है। तो मैंने मांगनी किया था कि भाई इस आवाज़ को कम किया जाए। उसके लिए मैंने 13/3/2023 को निवेदन दिया था, नागपुर कलेक्टर को दिया था, म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया था, कलेक्टर साहब को दिया था और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया था। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, बाकी कोई ऑफिस से कुछ नहीं आया। पुलिस वाले ने एक्शन ली, ऐसा नहीं लिया करके उन्होंने मस्जिद वाले को बुलाया, समझाया। वो लोग 2 दिन आवाज़ कम रखते हैं और 3रे दिन फिर बढ़ा देते हैं। माइंड गेम हो जाता है, मैं कितने बार पुलिस स्टेशन जाऊँगा और कितने बार वो मेरी सुनेंगे। तो आप बताइए कि मैंने कहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाना, किसके पास जाना। आज हमारे हिंदू भाई जो भी है वो आधे लोग आने से लिए डरते हैं क्योंकि उनको घर परिवार प्यारा है, ये है सब है, तरह तरह की बातें करते हैं। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो मुझे तकलीफ है, अकेले तो मैं आया हूँ और मेरे साथी लोग आए हैं सभी। हाँ, 2-3 बार झगड़े हुए रोड के ऊपर, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे ब्रिज के ऊपर रोका, समझाया कि भाई अगर तू इस एप्लीकेशन को वापस नहीं लेगा तो तू रोड में पड़ा रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, तो अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले। कार्रवाई वही हुई जो मैंने आपको बताया कि पुलिस ने उनको बुलाया है, समझाया है, लेकिन वो समझने के बाद सिर्फ 2 दिन आवाज़ कम रखते, 3रे 4थे दिन फिर बढ़ा लेते। फिर मैं पुलिस स्टेशन जाता, लेकिन पुलिस कब तक की सुनेंगे मेरी। उनको पुलिस ने बुला के समझाया था, मैंने पर्सनली बात नहीं की क्योंकि मैं अगर बात करने जाता हूँ मस्जिद में तो आप लोग खुद ही समझदार हो कि मेरा क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।